वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। आज हम बात करेंगे मदर्स डे पे। तो आज है मदर्स डे, आप सबको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आज हम बात करेंगे मदर्स डे के कुछ फैक्ट्स की जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ऑलमोस्ट 90% लोगों को इन फैक्ट्स के बारे में नहीं पता। तो शुरू करते हैं। पहले तो मदर्स डे जो सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल, तो उसकी डेट जो है फिक्स नहीं होती है हमेशा। मदर्स डे हम ज़्यादातर कंट्रीज में सेलिब्रेट करते हैं सेकेंड संडे ऑफ मई को। तो सेकेंड संडे इस ईयर में बनता है मई 10th को, तो हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं मई 10th को। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें फोर्थ सैटरडे ऑफ मई को जो मदर्स डे है सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें ब्रिटेन और यूरोप का कुछ पार्ट आता है। तो इसे मदरिंग डे भी कहते थे पहले, बट ये अभी पूरे वर्ल्ड में मदर्स डे ही बन गया है। मदर्स डे की हिस्ट्री अगर देखें तो मदर्स डे एंशियंट टाइम से ही सेलिब्रेट किया जाता है। एंशियंट टाइम में गॉडेस रिया के ऑनर में ये मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता था। तो जो गॉडेस रिया है वो गॉडेस है फर्टिलिटी, मदरहुड एंड जनरेशंस की। तो जो मदर्स डे है ये बेसिकली एक एंटी वॉर मूवमेंट था अमेरिकाज में, जब सिविल वॉर चल रही थी। सिविल वॉर मतलब जो इंटरनल वॉर होती है, इंटरस्टेट वॉर होती है। तो इसमें एन जार्विस नाम की एक लेडी थी, इन्होंने सिविल वॉर में दोनों साइड की जो मदर थी उनको पास लाने की कोशिश की थी। तो इन्होंने 1868 में एक कमेटी शुरू की थी। इन्होंने प्रपोज किया था कि कोई मदर डे ऐसा होना चाहिए जिसमें मदर्स जो हैं वो रैली कर सकें अगेंस्ट द सिविल वॉर और फॉर द पीस। तो इसके बाद एन जार्विस की बेटी थी एना जार्विस। तो एना जार्विस ने अपनी मदर की डेथ के बाद अपनी मदर की लेगेसी को कंटिन्यू रखा और इन्होंने कंपेन चलाई थी नेशन वाइड मदर्स डे को सेलिब्रेट करने की। तो फर्स्ट टाइम जो मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ तो वो था 1908 में, 1908 में सबसे पहले मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ था नेशन वाइड। तो इसीलिए एना जार्विस को बोला जाता है मदर ऑफ मदर्स डे, कि मदर्स डे की ये फाउंडर है, मदर्स डे की ये मदर है। तो ये जो टाइटल है इसके लिए एना जार्विस ने बहुत सारे लीगल केसेस भी लड़े हैं। इन्होंने बहुत पेन लिया कि ये जो मदर ऑफ मदर्स डे का खिताब है ये मेरे पास ही रहे, कोई और ना इसको एक्वायर कर ले। एना जार्विस कहती थी कि जो मदर्स डे है वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लीगल प्रॉपर्टी है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। इसके डिफेंस में इन्होंने बहुत बार लॉयर्स भी किए हैं, बहुत सारे इन्होंने कोर्ट केसेस भी लड़े हैं। और 1944 में एक आर्टिकल भी आया था जिसमें बताया गया था कि एना जार्विस जो है करंटली 33 जो पेंडिंग लॉ सूट्स है वो डिफेंड कर रही है। तो 33 केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कहते हैं कि एना जार्विस ने बहुत एफर्ट्स किए हैं कि ये वाला खिताब जो है मदर ऑफ मदर्स डे का जो उनके पास ही रहे और मदर्स डे जो है इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इनका लीगल राइट ही बना रहे। कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत सारी न्यूज़ भी आई थी कि मदर्स डे जो है एना जार्विस ने नहीं फाउंड किया, किसी और ने किया है। तो किसी ने प्रपोज कर दिया था कि जो मदर्स डे है वो एना जार्विस ने नहीं, बल्कि इससे पहले भी 1904 में फ्रैंक हेरिंग नाम का एक फुटबॉलर था, तो उसने एना जार्विस से पहले प्रपोज कर दिया था मदर्स डे। तो एना जार्विस जो है वो मदर नहीं है, मदर ऑफ मदर्स डे नहीं है। तो इसके अगेंस्ट एना जार्विस ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि ये जो है वो किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं मदर्स डे को। एना जार्विस ने बहुत सारी स्टेटमेंट भी दी है कि एक मेल कैसे, एक बंदा कैसे जो है वो मदर्स डे का फाउंडर हो सकता है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि ये किडनैप करने की कोशिश है मदर्स डे को, और इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी किडनैपिंग का मदर्स डे विल यू बी अकम्प्लिस, कि आप उसके साथ हो जो किडनैप करने की कोशिश कर रहा है मदर्स डे को। इससे हमें पता चलता है कि कितनी डेस्परेट थी एना जार्विस कि वो अपना खिताब जो है मदर ऑफ मदर्स डे का अपने पास ही रखना चाहती थी। तो इसके बाद एना जार्विस ने एक मदर्स डे इंटरनेशनल एसोसिएशन बनाई थी। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया था कि जो ये सेकेंड संडे ऑफ द मई जो है वो मदर्स डे के नाम पे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसे जो डिक्लेयर किया गया था वो किया गया था एज अ होलीडे, बट ये होता है सेकेंड ऑफ संडे को। तो संडे तो ऑलरेडी होलीडे होती है, तो इसे होलीडे क्यों बोला जाता है? तो इस दिन जो कॉन्सेप्ट था, जो एन जार्विस ने बताया था कि ऐसा कोई दिन होना चाहिए जिस दिन लेडीज जो हैं, मदर्स जो हैं, वो एंटी वॉर पीस की रैलीज कर सकें, ताकि वो कोई और काम में बिजी ना हो, उनको होलीडे हो कि वो बाहर जाके रैलीज कर सकें। तो इसलिए जो यूएस प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी इसे एज अ होलीडे डिक्लेयर किया कि ये सेकेंड संडे ऑफ मई जो है वो मदर्स डे के नाम पे नेशन वाइड होलीडे होगी। बट ये एक्चुअल में होलीडे होती नहीं है,
और सारे रेस्टोरेंट सारी दुकानें खुली रहती हैं। और ये माना जाता है कि ये सबसे बिजिएस्ट डे होता है यूएस में, कि यूएस में सबसे ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोग गिफ्ट्स खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा कार्ड्स भेजते हैं, तो ये बहुत ही बिजी डे माना जाता है। तो ये धीरे धीरे एक ये जो हॉलीडे है ये कमर्शियल चीज़ बनती गई कि ज़्यादा शॉपिंग है और जो ज़्यादा बड़ी कंपनी है वो ऑफर्स देती रही हैं, जैसे क्रिसमस पे ऑफर देती हैं, दिवाली पे ऑफर देती हैं, तो ऐसे जो कमर्शलाइज कंपनी है तो उन्होंने इसको इसके चांस को ग्रास्प किया और इसे एक कमर्शलाइज दिन बना दिया कि लोग शॉपिंग करें, कार्ड्स भेजें, केक्स खरीदें, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, गिफ्ट्स खरीदें, ज्वेलरी खरीदें। तो ये एक तरह का एक कमर्शलाइज डे बन गया। तो 1920 तक आते आते इसके कमर्शलाइज होने के बाद एना जार्विस ने अपनी स्टेटमेंट दी कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने ये क्यों शुरू कर दिया है, जो हॉलीडे है मैंने क्यों शुरू किया है इस हॉलीडे के कारण, ये तो सेम एक क्रिसमस की तरह ही एक त्यौहार ही बन गया है जिसमें लोग शॉपिंग कर रहे हैं और रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बल्कि ये जो इसका मेन कॉज था वो तो पीछे रह गया, ये कमर्शलाइज डे बन गया है। जो यूएस की फर्स्ट लेडी थी उस टाइम पे, एलेनोर रूजवेल्ट फर्स्ट लेडी है, वो यूएस में बोलते हैं किसी प्रेसिडेंट की वाइफ को, तो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उनकी वाइफ थी एलेनोर रूजवेल्ट। तो इन्होंने मदर्स डे को एक अपॉर्चुनिटी बना दिया फंड रेज करने की, इन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो डोनेशन दें, हमें डोनेशन दें ताकि जो मदर्स हैं, नीडी मदर्स हैं, उनके लिए हम काम कर सकें। तो जो एना जार्विस थी उसने इस चीज़ को कंडेम किया कि ये जो मदर डे मैंने बनाया था तो ये तो एक कमर्शलाइज बन गया है, और ऊपर से आप जो है लोगों से पैसा मांग रहे हो कि और पैसा दो और पैसा दो, तो ये एक पूरी कमर्शलाइज एक्टिविटी बन गई है मदर्स डे पे, तो इसका जो बेसिक कॉज था वो तो पीछे रह गया। तो इसके बाद जो एना जार्विस थी मदर ऑफ मदर्स डे, उसने तो अपनी जो पूरी लाइफ है इसीलिए लगा दी कि ये मदर्स डे की जो डेट है ये कैलेंडर से डिलीट हो जाए, बट ऐसा नहीं हो सका, और अपनी पुअर हेल्थ की वजह से 84 ईयर्स की एज के बाद उनकी डेथ हो गई। तो एना जार्विस ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि ये जो मदर्स डे है ये एक बहुत ही बर्डनसम, वेस्टफुल, एक्सपेंसिव गिफ्ट डे बन गया है क्रिसमस की तरह, तो इसका कोई स्पेशल डे नहीं है, ये आम एक त्यौहार की तरह त्यौहार ही बन गया है। तो इसको शुरू करने में, मदर्स डे को शुरू करने में मुझे कोई खुशी नहीं है। अपनी लास्ट एज तक वो यही कोशिश करती रही कि ये मदर्स डे को कैलेंडर से डिलीट करवा दिया जाए, बट ऐसा हो नहीं सका। आज भी मदर्स डे एक तरह की एक कमर्शियल एक्टिविटी बन के रह गई है जिसमें सिर्फ लोगों को ये पता है कि हमने मदर्स को गिफ्ट देने हैं, मदर्स को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाना है, बट उसका जो बेसिक कॉज है वो पीछे रह गया है। तो ये भी देखा गया था 2018 में 23 बिलियन जो है वो स्पेंट हुए थे मदर्स डे पे, तो एक दिन में 23 बिलियन जो है स्पेंट होना बहुत बड़ी बात होता है। तो जो बेसिक कॉज था मदर्स डे का, तो जो मदर्स की एफर्ट है, जो माओ ने काम किए हैं हमारे देश के लिए, हमारे हमारी शांति के लिए जो काम किए हैं, पीस के लिए काम किए हैं, जो एंटी वॉर कंपेन्स किए हैं, तो उनको सब भूल ही गए हैं। ये एक तरह से एक कमर्शियल एक्टिविटी बन के रह गया है। अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटीज़, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी मदर्स की, हमारे माओं की क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए, कैसे सोसाइटी में शांति बनी है, कैसे हमारी मदर्स ने जो रैलीज की हैं अगेंस्ट वॉर के, ये सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी चाहिए। और हमें मदर्स को ये नहीं कि कोई स्पेशल डे है मदर्स को जो है हम रिस्पेक्ट शो करने के लिए, अपनी मदर्स को ऑल द ईयर हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, ऑल द ईयर ही हमें जो है प्यार करना चाहिए। कोई स्पेशल डे नहीं है कि हमें एक दिन पर्टिकुलर ही अपनी मदर से प्यार करना है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दो, थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।